असल आज के स्केचअप के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D ऑब्जेक्ट को हम 2D और 3D शेप में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्केचअप ओपन कर लेते हैं और ये हमारे पास 3D ऑब्जेक्ट है और अगर हम इसको एक्सपोर्ट करना है तो हम फाइल मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से हमारे पास एक्सपोर्ट के ऑप्शन और यहाँ से हम 3D मॉडल और 2D ग्राफिक्स में इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास व्यू है और इसको हमने JPEG में निकालना है, इसका हमने रेंडर निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट में जाएंगे और हम 2D ग्राफिक्स में जाते हैं। जैसे हम 2D ग्राफिक्स में जाएंगे यहां पर ये थोड़ा सा टाइम लेगा और जैसे ही हमने 2D ग्राफिक पे क्लिक किया तो यहां पर हम इसको नाम दे देते हैं कि रेंडर वन, रेंडर नाम देते हैं इसको यहां पे हमने रेंडर वन नाम दे दिया इसको और इसको अब हम JPEG में भी निकाल सकते हैं, PDF में भी निकाल सकते हैं, PNG में भी निकाल सकते हैं। तो हम इसको सिंपल JPEG में निकाल देते हैं, हम इसको डेस्कटॉप पे निकाल देते हैं। तो सिंपल अब ये एक्सपोर्ट होगा तो ये हमारे पास फाइनल रेंडर आ गया है जो हमने उस मॉडल का लिया है। और इसी तरह हम अगर हमने इसका 3D ऑब्जेक्ट जो है अगर हमने किसी और सॉफ्टवेयर में इसको इस्तेमाल करना है लाइक माया में इस्तेमाल करना है या हमने इसको मैक्स में इस्तेमाल करने हैं तो हम क्या करेंगे, इसको हम 3D यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे और 3D मॉडल में हम एक्सपोर्ट कर लेंगे। और यूजली माया वगैरह में FBX फॉर्मेट चलता है तो हमें यहाँ से इसको FBX सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ इसको प्रोजेक्ट वन कर देते हैं, प्रोजेक्ट कर देते हैं और हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो इसकी सारी फाइल्स जो है FBX फॉर्मेट में वो एक्सपोर्ट हो जाएंगी। फिर हम इसको आसानी से माया में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मैक्स में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा एक्सपोर्ट होने में और वो जो फाइल आएगी उसको हम इजीली इस्तेमाल कर सकेंगे। वो उम्मीद करते हैं कि आपको 2D ग्राफिक और 3D मॉडल इसको कैसे एक्सपोर्ट करते हैं अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मिलते हैं एक और ट्यूटोरियल के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।